कि सर बहुत कम स्कोर आया, अब हम आगे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्या हम करें सर, हमें क्या फॉलो करना चाहिए कि हाँ भैया ये सवाल मुझसे छूट गए, ये नहीं छूटने चाहिए थे, ये गलत हुए, ये नहीं गलत होने चाहिए थे, इनका कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से देखता हूं, मुझे ये सवाल क्लिक ही नहीं हुए पेपर में, ये करना कैसे है। कितने लोगों ने ये कर दिया है, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आप अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाओगे, और अगर सही आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाओगे तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अब मैं हर एक की गलतियां नहीं बता सकता ना, बिकॉज सबकी गलतियां अलग अलग है। किसी ने कैलकुलेशन एरर की है, किसी ने सवाल छोड़ा है, किसी ने किसी और पोर्शन पे टाइम वेस्ट किया है, किसी ने आसान सवाल छोड़ा है। समझ में आया? तो ये सब गलतियां आप एनालाइज करो, और जब खुद एनालाइज करोगे तो रिजल्ट और इंप्रूवमेंट दोनों दिखाई देगा। शानदार। एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और करता कोई नहीं, बोलते सभी हैं, करता कोई नहीं। टेस्ट खत्म होने के बाद में उसकी तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देखता, जो कि एकदम नेगेटिव चीज है। सर बहुत कम स्कोर आया, अब हम आगे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्या हम करें सर, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। अब वो पता है एकदम वेंटिलेटर पे लेट के फिर ऑक्सीजन मांग रहे हैं सर, तभी जरूरत पड़ती है, तो उनकी सिचुएशन आईसीयू वाली है। समझ पा रहे हो? जबकि उनको थ्रू आउट द ईयर हर एक टॉपिक में बारीक बारीक जगह जाकर बताया गया कि बेटा इस पे से सवाल पूछेगा, ये उसका फेवरेट है, ये इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप ध्यान रखें। तब पता नहीं उनका ध्यान कहां होता है, या पता नहीं इतने इंपेशेंट है, या जो भी है, आई डोंट नो। लास्ट में आके फिर वो इस टाइम पे मैसेज करते हैं। तो मेरी आपसे एकदम हाथ जोड़ के विनम्र दिल टू दिल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अगले साल इस वक्त एकदम कूल, काम एंड कंपोज होके आपकी तैयारी चल रही हो और आपके जो रिजल्ट है वो अच्छा है, इसका मतलब है आपको थ्रू आउट द सेशन में बताए गए सिंपल सिंपल पॉइंट्स पे ध्यान देना है, मेमोराइज रखना है, रिवाइज करना है। सर आपने बोला आईआईटी का फेवरेट है, मतलब इससे सवाल आने की बात बन सकती है। सर बाकी टॉपिक छोड़ दें? नहीं जी, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? आया ना?